मम्मीज एंड डैडीज, तो आज हम बताने वाले हैं आपको हेल्दी ड्राई फ्रूट पाउडर रेसिपी जो हर एज के बच्चे के लिए यूज़ हो सकती है। तो इसके लिए हमें चाहिए बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता और जो मैं आपको स्पेशल बताने वाली हूँ पम्पकिन सीड। ये पम्पकिन सीड बहुत ही हेल्दी होती है, इसमें आयरन होता है और बेसिकली ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपको अगर बच्चों के ड्राई फ्रूट पाउडर में, ऐसे तो वो खाएंगे नहीं, अगर आप ड्राई फ्रूट पाउडर में इसे ऐड कर देते हो तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो, आपको करना क्या है, इन सारे ड्राई और इसमें मैं एक केसर भी, केसर की कुछ लीव्स भी मैं इसमें डालूँगी जिससे ये और भी हेल्दी हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले इन ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है एक एक करके। सो, सबसे पहले हम इसमें बादाम रोस्ट करेंगे। बेसिकली आप एक साथ रोस्ट मत करना क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। बेसिकली काजू और पम्पकिन सीड्स जल्दी हो जाते हैं तो हम उनको एक साथ कर लेंगे। और सबसे पहले हम बादाम को करेंगे। सो, इसे रोस्ट करना है बस इसका कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। सो, अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम रोस्ट करेंगे काजू और पम्पकिन सीड्स। ये काजू और पम्पकिन सीड्स भी रोस्ट हो गई हैं, आप इसे छूकर चेक कर सकते हो, ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो हम इन्हें अलग निकाल लेंगे और फिर हम अखरोट और पिस्ते को रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हो और मैं इसे साथ में कर लेती हूँ। सो, हम इसको भी रोस्ट कर लेंगे साथ में और इसे भी अलग निकाल देंगे। फिर ये जो मैंने केसर लिया था इसको भी रोस्ट करूँगी थोड़ा सा और इसे भी साथ में पीसूँगी। तो इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ मैं। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, केसर भी रोस्ट हो गई है। अब हम इन्हें एक घंटे के लिए कूल होने के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से पीसेंगे। सो, ये सारे ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए थे हमने वो ठंडे हो चुके हैं और अब हम इन्हें मिक्सी में पीसेंगे। इन्हें गर्म मत पीसिएगा, अदरवाइज़ इनका ऑयल निकल आएगा। और इन्हें मिक्सी में बहुत ज़्यादा भी मत पीसिएगा, आपको मिक्सी में पुश बटन का मेन यूज़ करना है जिससे कि आप उसे बंद कर कर के पीस सको। क्योंकि आप अगर एक साथ पीसोगे तो इसके ड्राई फ्रूट में ऑयल निकल आएगा जिससे आप स्टोर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसे आप पुश बटन करके अगर पीसोगे तो ये ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं होगा और ये काफ़ी दिन तक चलेगा। सो, इस तरह से ड्राई फ्रूट पाउडर आपको मिल जाएगा जब आप पीसोगे। ये थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है, अभी मोटा ही है बल्कि। तो मैं इसे थोड़ा सा इसे छान लूँगी और अगर आपका बेबी ऐसे भी ले सकता है तो आप इसे ऐसे भी दे सकते हो, बट छोटे बेबीज़ ऐसे नहीं ले पाएंगे, उनके गले में अटकेगा। तो इसे आप छलनी से छान लो। सो, इस तरह से आप इसे छलनी से छान लो तो इस तरह का फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा जो आप 8 मंथ से अब बेबी को दे सकते हो आराम से। और अगर बेबी बड़ा है तो आप थोड़ा सा इसे मोटा भी कर सकते हो। इससे जो बचा हुआ है इसे आप वापस से पी सकते हो या फिर आप इसे अपने यूज़ में भी ले सकते हो, आप अपनी स्मूदीज या शेक्स में डाल सकते हो। सो, आपने देखा इस तरह का फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स सब चीज़ इतना ज़्यादा है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी हाई हो गई है। आप अपने बेबी को दो, उसके पोरेज में, उसके सेक में मिला कर दो। सो, बेबी आसानी से ले लेगा। आप इसे इस कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हो फ्रिज में आराम से 1.5-2 महीने के लिए। सो, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।